लोक आस्था के प्रतीक छठ पूजा का पर्व देश सहित नवी मुंबई में भी बड़े ही भक्तिभाव और उत्साह के माहौल में मनाया गया। छठ पर्व का अद्भुत और अनोखा नजारा दीघा में भी देखने मिला। पूर्व शिक्षण समिति के उपसभापति वीरेश सिंह के नेतृत्व में श्री लक्ष्मी नारायण सामाजिक सेवाभावी संस्था और भाजपा प्रकोष्ठ दीघा द्वारा भव्य सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेहतर नियोजन और व्यवस्था के साथ दीघा तालाब के घाट पर असंख्य छठ व्रतियों ने उपासना के साथ सूर्यदेव को अर्घ दिया। इस खास मौके का गवाह बनने यहां एरोली के विधायक गणेश नाइक भी उपस्थित थे, जहां उनके साथ पूर्व स्थायी समिति सभापति नवीन गौते, पूर्व नगर सेविका अपर्णा गौते, पूर्व नगर सेविका उज्ज्वला झंझाड, समाज सेवक चंद्राम सोन कांबले, समाज सेवक विजय मिश्रा भी उपस्थित थे। गणेश नाइक ने वीरेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित छठ पर्व की सराहना करते हुए जल्द ही अपने विधायक निधि से तालाब के चारों ओर भक्तों की सहूलियत के लिए सीढ़ियां और रेलिंग बिठाने का भरोसा दिया। पूरे भारत वर्ष में छठ पूजा का आयोजन किया गया है और इस सिलसिले में दीघा इलाके में जब मैं आया हूँ, जो नगर सेवक नवीन गौते, नगर सेविका अपर्णा गौते, नगर सेविका झंझाट और सभी कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करके छठ पूजा का आयोजन किया है। तालाब छोटा गिरने लगा है, तालाब में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़िया की जरूरत है। वो सीढ़िया महापालिका का इलेक्शन जल्दी हुआ तो महापालिका ओर से बनाएंगे, नहीं तो आमदार फंड से उसका पूरा प्लानिंग करके आने वाले छठ पूजा के पहले वो सीढ़िया बनेगी। उसको नवीन गौते ने स्टील का रेलिंग बोला है, स्टील का रेलिंग भी उधर बनेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। वही पूर्व स्थायी समिति सभापति नवीन गौते और वीरेश सिंह ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। लगभग 2 साल के बाद दीघा में कोरोना के बाद, ऐसे तो पहले से हम लोग मना रहे थे, मगर कोरोना के 2 साल के बाद आज छठ पूजा का वातावरण यहाँ पे बहुत ही अच्छा आनंदमय है और सभी भाई बहन हम लोग सभी लोग यहाँ पर छठ पूजा मना रहे हैं। आज भले छठ पूजा उत्तर भारतीय का है, मगर हमारे महाराष्ट्र माधवों ने भी उसको अच्छी तरह से सराहने का काम किया है। यहाँ पे स्वच्छता रखने का काम किया है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था मनपा की तरफ से करने का काम किया है, तालाब में उतरने के लिए मनपा की तरफ से यहाँ पे सुरक्षा रक्षक रखे गए और उसी तरह से यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ थी वो सब हटाने का काम करने किया गया है। और मैं अभी जैसे उत्तर भारतीयों के हमारे नेता वीरेश भाई है, जैसे उन्होंने बताया कि हमें उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होनी चाहिए, तो मैं बोला कि यहाँ पे सीढ़ियाँ होगी और नाइक साहब ने अपना विधायक का आमदार निधि का फंड भी दिया है जो 25-50 लाख रुपए जो भी लगे। साहब बोला क्या अभी तुरंत मेरे से आके लेटर लेके जाओ और ये पाठ पूरा करना मेरा काम है और मैं यही चाहता हूँ कि अगले छठ पूजा के पहले यहाँ सीढ़ी बन जाएगी, ऐसा विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने देखा है कि बहुत बार टीवी पर क्या गंगा मैया में जो नहाने जाते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है मगर उसको पकड़ने के लिए रेलिंग भी होता है, तो मैंने बोला कि उसको रेलिंग भी लगाना जरूरी है ताकि कोई उतरने समय अपना पैर फिसल के नीचे ना गिर जावे, इसलिए रेलिंग का भी व्यवस्था होगा। जैसे हमारे झंझाड़ भाई ने बताया क्या अभी पूरे दीघा भर में एक ही तालाब है, मगर उनका कहना है कि हमें और एक ईश्वर नगर उस तरफ ही होना चाहिए, तो हम लोग जैसे मनपा की चुनाव के तो हम लोग प्रयास करेंगे सब लोग मिलके, झंझाड़ भाई है, मैं, अपर्णा है, सब लोग, क्या हम लोग आने वाले दिन में मनपा में हम लोग ठहराव करेंगे क्या ईश्वर नगर उस तरफ में भी एक तालाब हो जाए ताकि छठ पूजा के साथ साथ गणपति उत्सव है, नवरात्रि का विसर्जन है, वहाँ पे विसर्जन किया जाएगा और उन लोगों को भी आसान गिरेगा, ऐसा व्यवस्था करने का काम करेंगे। आज के जो 20-25 साल पहले दीघा में जो भयभीत वातावरण था, आज हमारे उत्तर भारतीय इतने संख्या में जुट गए कि वो भय का वातावरण जो है समझ में आ गया कि जब से हमारे नगर सेवक नवीन गौते साहब के हाथों में महापालिका की बागडोर आई हुई है तब से आज जो हम लोग सुखी है, हमारा सारा समाज उनके नेतृत्व में सुखी, आदरणीय लोक नेता गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा जो समाज है वो एकत्रित होकर सुखी तरह से छठ पूजा मना रहा है। और आज जैसे अभी दादा ने बताया हमको कि उन्होंने आमदार निधि में से जो फंड जाहिर किया हुआ है, आज मैं आपको बताता हूँ कि यह काम ये 1 साल के अंदर करने का भी उन्होंने प्रॉमिस किया है। और दूसरी बात मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे दीघा में है आज इसका कार्यक्रम की तैयारी हमारे आप लोग बताते हुए मुझे अति उत्साह हो रहा है कि हमारे पूरे मराठी भाई और मतलब जैसे बोलते थे कि ऐसा कोई उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय ही नहीं, ऐसा कुछ मतलब सब लोग और हम सब एक हैं,
वो ऐसा मतलब मैं बोलना चाहता हूँ। और आज दादा ने बताया कि उनके खुद की परिवार की गौतम परिवार की जगह में एक समाज हाल वो बना के देंगे, इसके लिए मैं उनको भी ये आप चैनल के माध्यम से आपके मैं प्रॉमिस करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि दादा आप जब तक रहेंगे और आप उसके बाद अगर किसी पत्थर को भी बोलेंगे कि इसको सिंदूर लगाओ और भगवान करो तो उत्तर भारतीय समाज हमारा उसको भगवान मानने को तैयार है, ये बोल के मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, EW नेटवर्क।